पता नहीं किस्मत ने मेरे साथ ही ये खेल क्यों खेला। मैं आपके साथ जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ ये जानकर कि आप मुक्ता की जिंदगी है, आप मुक्ता का प्यार है। आप नहीं हूँ। गलती की सजा आप खुद को क्यों दे रहे हैं? मैं आपको इस रिश्ते से आजाद करना चाहती हूँ तो फिर आपको क्या एतराज है? एतराज है? ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। और मैंने आपके हाथ में कोई हथकड़ी नहीं लगाई है, जिसे खोल दिया उसके बाद आप भी आजाद और मैं भी आजाद। एतराज है क्योंकि ये विवाह का एक पवित्र बंधन है और मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे तलाक की इजाजत नहीं देते। अब ये रिश्ता हम दोनों के लिए सजा है। वापस जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। पर आज मैं दामिनी, एक नौकरानी, अपनी बेटी की उतरन में सिर्फ उसकी शादी का जोड़ा ही नहीं, वीर सिंह बुंदेला की पत्नी होने का सम्मान भी देती हूँ। मुबारक हो आपको इच्छा की ये उतरन। हम समझ सकते हैं पर क्या बीत रही है। जिंदगी भर डर से भाग रहे, आज वही हुआ। नहीं जानती थी कि हमारी बेटी के मुकद्दर में भी वही लिखा जो उसकी मां के नसीब में था। ठीक है ना मुद्दा, कुछ कहिए अब। ठीक है, कुछ बोलिए।
शांत मत रहिए, क्यों क्यों खामोश रहने से तकलीफ होगी, दर्द बढ़ेगा और वही दर्द और वही तकलीफ ज्वालामुखी बनकर गुस्से के रूप में आपको, मीठी को और विष्णु की जिंदगी को तबाह कर देगा। ये मुक्ता, हम पर बीत चुकी है, जानते हैं हम, लेकिन मुक्ता भी हमने बहुत नादानियां की है अपनी जिंदगी में, और हम नहीं चाहती कि हमारी बेटी वही नादानियां फिर से दोहराए अपनी जिंदगी में। विधान होना ही था, इसे कोई नहीं बदल सकता। विष्णु मीठी की शादी होनी थी और वो हुई, वो मीठी के मुकद्दर में था। नहीं मां, कोई मुकद्दर में नहीं, ये मीठी की सिद्धि। हम विष्णु से प्यार करते, विष्णु हमसे प्यार करते, और मीठी ने विष्णु को हमसे छीन लिया। नहीं मां, आप हमारा दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं। नहीं बेटा, वो आपका दिल बहलाने के लिए कुछ नहीं कह रहे, आप हमारी बेटी, हम समझते हैं आपकी तकलीफ, साहब, मैं जानता हूं आपने मुझे मना किया था, लेकिन मैं कोई नाजायज तरीका अपनाना नहीं चाहता। कुछ तरीका है कि मेरा फोन मुझे दिया जा सकता है? एक फोन कॉल करनी है मुझे, बहुत जरूरी है, देखिए अर्जेंट है, अर्जेंट है, इसीलिए दोबारा मांग रहा हूं आपसे। सॉरी सर, आपको फोन नहीं दे सकते, और आपको वकील से बात कराया गया नहीं, इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं है हमारे पास। आपकी आपकी बेटी है? नहीं। फिर आप नहीं समझे। मेरी मुक्ता अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती, पहले भी अपने प्यार की बात सबसे छुपाई थी उसने, अब तो मैं था वहां, अब वो कैसे जूझ रही होगी इस हालात से अकेले। मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ नाइंसाफी करते हो तुम, हमेशा सबके साथ, आकाश के प्यार के साथ, विष्णु के वादे के साथ, और मीठी उसके साथ भी था, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे आकाश को सारा सच बताना होगा, कुछ बताना होगा उसे, उसे सिर्फ शादी होते देखी, वजह नहीं पता है उसे। मैया, मैया उसे पूरा सच नहीं बताएगी, आधा अधूरा सच बताएगी। मैं अभी उसे फोन करके सारा सच बता देती हूँ, सब कुछ बता देती हूँ, जो कुछ भी हुआ है, अभी उसे फोन करती हूँ। आते हैं।
घर से फोन था, पगफेरे के लिए बुलाया। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? मुक्ता से क्या कहूँ? अब इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं। शादी की है तो अब ये रस्में भी निभानी होंगी। सब सहन करना होगा, आपको ही नहीं मुझे भी। मुक्ता से कैसे मुंह छुपा सकते हैं हम? हमने ही मुक्ता को विष्णु से दूर किया है, पर मुक्ता के भले के लिए उसे इस दुख से हमें बाहर निकालना होगा। बाकी तो रामी राखी। मुक्ता बेटा, बेटा हम देख रहे हैं कि आप अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं, रोती रहती हैं। बचा क्या अपनी नानी को नहीं बताएंगे? ठीक है, हम तो ये बताने आए थे कि विष्णु और मीठी पग फेरे के लिए आ रहे हैं, और आपको नानी, हमें ना उनके फेरों में इंटरेस्ट है और ना ही पग फेरे में। ऐसा क्या कह दिया मीठी ने आप? उसे जो करना था वो कर चुकी है, पर किया क्या है ये तो बताइए। ठीक है, जब मीठी आएगी हम उसी से पूछ लेंगे कि ऐसा क्या हो गया दोनों बहनों। प्लीज नानी, वो हमारी बहन नहीं है, वो आए जाए जिए मरे हमें नहीं फर्क पड़ता है। राखी, आप तो वैसे ही गुस्सा हो रही है जैसे आपकी माँ कभी इच्छा पर गुस्सा हुआ करती थी। क्या उस मक्खी ने प्यार छीना है हमारा? हम विष्णु को चाहते, विष्णु हमसे प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर सब कुछ जानने के बाद भी मीठी ने विष्णु को हमसे छीन लिया, दूर कर दिया। उसने विष्णु से शादी कर ली सिर्फ आकाश से बदला लेने के लिए, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है उस चुहिया की बेटी से। नानी प्लीज, हमें अकेले छोड़ दीजिए। मुक्कू बेटा, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, फिर भी हम यही कहेंगे कि आप इस सच्चाई का सामना करें। नानी प्लीज, हमें अकेले छोड़ दीजिए। नहीं, आज नहीं, रामी राखे इस बार नहीं। आपने विष्णु को चाहा, ये विष्णु और आपका अतीत है, और वर्तमान ये है कि विष्णु मीठी का पति है। वो मक्खी अपनी पिंकी पलकी लेकर आएगी आपको आपका प्यार लौटाने, विष्णु को भीख में देने, क्योंकि ऐसा ही उसकी मां ने किया था। तब तक आपको इस गुस्से को कायम रखना है। क्योंकि इस घर में चीख चीख कर उस दामिनी ने अपनी बेटी की उतरन आपकी मां को दी थी, लेकिन आप
आप अपना जी कड़ा रखिएगा, तब आप उससे कहिएगा कि आप मुक्ता रविंद्र प्रताप राठौड़ हैं। आप अपना प्यार भुला सकती हैं, पर किसी की उत्तरण नहीं ले सकती। कहिएगा उस मक्खी से।